बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा ये लग रहा है कि अब और पढ़ना नहीं पड़ेगा, और फाइनली जो मैं अचीव करना चाहती थी वो मैंने अचीव कर लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सपना था आपका यूपीएस, अपना आईएएस बनने का? देखिए, जब ये तैयारी स्टार्ट करी थी तो सपना तो यही था कि बनना है तो आईएएस ही बनना है, और उसके लिए चाहे एक अटेम्प्ट लगे, ज़्यादा लगे, तो सपना ही था। तो कब आपने सोचा या आईएएस बनने का ख्वाब कब आया आपके मन में? मैंने अपना लॉ पढ़ा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से, वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस से, और जब मैं काम कर रही थी लॉ फर्म में, उसके बाद मेरा ये डिसीजन हुआ कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के बजाय थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहती हूँ, वो शायद मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे, और इसीलिए मैंने यूपीएससी करने का सोचा। परिवार की बात करें तो परिवार की कितनी सपोर्ट मिली आपको यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, परिवार की सपोर्ट के बिना तो ये अचीव ही नहीं हो सकता था। मेरा पूरा परिवार एक लॉयर्स का परिवार है, बट फिर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि मैं अपना लॉ फील्ड छोड़कर सिविल सर्विसेज की फील्ड में जाऊँ, एंड उनके सपोर्ट के बिना दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे कि भाई जो रैंक आपने पाई है उसको पाने के लिए और उससे भी अधिक करीब आने के लिए यूपीएससी में, क्या आप वो देंगे आप संदेश? देखिए, मैं युवाओं को दो संदेश देना चाहूँगी। सबसे पहला तो ये कि ये एग्ज़ाम बिना मेहनत के नहीं निकल सकता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो पूरी मेहनत करिए। और दूसरा, इस प्रोसेस में अपनी स्ट्रेंथ्स तो आप आइडेंटिफाई करिए, बट अपनी वीकनेसेस को आप सबसे पहले देखिए, और पूरे प्रोसेस में एक सेल्फ करेक्शन मोड में रहिए, ताकि आप जो भी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं उनको ओवरकम करके आप अचीव कर सकें जो आपने एम कर रखा है।